नमः ओम नमः। महानुभाव, इस सदी के महान आचार्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का समाधि संलेखना पूर्वक हुआ है। समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। इस सदी के बहुत बड़े संघ के नायक आचार्य श्री आध्यात्मिक संत एवं ज्ञान ध्यान तप में लीन आचार्य श्री युगों युगों तक अपने तप त्याग और ज्ञान ध्यान के इस चिरस्मरणीय उनके जीवन को याद दिलाते रहेंगे। महानुभाव, गुरुदेव ने शिक्षा दीक्षा देते हुए स्वयं को, संघ को और संपूर्ण देश को, राष्ट्र को, विश्व को उन्होंने जो संदेश दिया, उपदेश दिया, स्वयं उस योग मार्ग में चल करके सबको योग के और मोक्ष मार्ग में चलने का उन्होंने पावन संदेश दिया। और वे तप त्याग में और स्वाध्याय में, ज्ञान ध्यान में महाकाव्य मूक माटी जैसे काव्यों की रचना की, वो कवि के तरह लिखते थे। और इसके अलावा हर तरीके से अपने संघ को चलाते हुए उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक ज्ञान ध्यान में लीन रहे। और ऐसे उन्होंने अपने शरीर को तपाया, तन मन चेतन को इतना उत्कृष्ट बनाया और उनके संपूर्ण संघ के साधुओं को ज्ञान दान देते हुए और संपूर्ण जैन धर्म दर्शन को इतना ऊंचा कराया और इसी मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ते हुए ऐसे स्थान में पहुँचते हुए वो पंच परमेष्टियों के शिखर स्थान में विराजमान होते हुए भी सरल और इतना सौम्य, उनको देख करके कोई भी व्यक्ति अपने आप में धर्म ध्यान को जागृत कर सकते थे। ऐसे संत को सब लोग मिल करके विनयांजलि दे रहे और इस पावन बेला में वे अपने आप को अमर कर लिए हैं और मोक्ष मार्ग में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। हम भी परिकल्पना करते हैं कि सभी संतों को उनके जैसे तप त्याग और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का सबको लाभ मिले और आचार्य श्री के इस वेला में हमारे जैन धर्म के अपूर्णीय क्षति को पूरा नहीं कर सकते हैं और उनके अंतरात्मा परमात्मा के इस मार्ग में आगे बढ़ते रहे। सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना, वे तो सम्यक रूप से शरीर को और कषायों को कृश करते हुए और उन्होंने प्रैक्टिकली जैन धर्म क्या है अभ्यास रूप में सब कुछ उन्होंने शुरू से बताया और संपूर्ण संघ धीरे धीरे करके आचार्य श्री की ओर जा रहे थे और निरंतर उनके ध्यान ज्ञान ध्यान आराधना तप आराधना चलते फिरते हुए वे तीरथ है और अभी भी है वर्तमान में और पीछे भी थे आगे भी वे इसी तरीके से अपने उज्जवल अंतरात्मा के द्वारा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो दिग्दर्शन है निरंतर देते रहेंगे। यही मेरी मंगल भावना है।